चारों युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सभी कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है चार युगों की, हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आज से आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाकर चारों युगों ने आपस में निर्णय किया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते, हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं, वहीं आधी और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालों, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम चार युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है, भगवान शिव ने कलयुग की बात को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु नरसिंह, अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूं,
जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं। परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण की तरह ऐसे अवतार पैदा हुए जो कि 16 कला से संपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव तो मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूं। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक परसा लिया, लोहे का परसा, और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहां बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहां जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सभी लोग यहां खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है, वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन कराओ।
तो त्रेतायुग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेतायुग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन पास में जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है, उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठा करके भट्टी पर रख दिया, और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई, और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक करके तैयार हो गए। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उस परसा से निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया, और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, यह दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं, और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है, उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और कड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच खांच कर उसे भट्टी बना दिया, नीचे अग्नि लगाई, उसमें चावल डाल दिए, और जब चावल पक गए तो वही तरीका उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी, और यह कल युग तुम्हारे शासन काल में तो मात्र 100 वर्ष ही है, और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता है, आप तो एक जज है, सबको मौका दिया जाए परीक्षा के लिए, आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो हजारों टन का है, वहां चावल रखा है, यह हजारों किलो टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन का परसे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया, और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, इस एक परसा की बात करते हैं, आप ऐसे हजारों परसा यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे, कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी।
बात तो बिल्कुल सच है, सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कल युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर के उसने देखा कि परसा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, परसा के नीचे भट्टी खोद दी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, वह उसका पीठ थपथपाता है और कहने लगा, वाह शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी, जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया, और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना तीक्ष्ण, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया, मेरे इतने गण थे कि अगर वह बाल्टियों से चावल परोसता शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और 4 गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं ही बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कल युग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा, इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कल युग के व्यक्तियों को देखो, आप कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कल युग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा, कली का नाम है मशीन और युग माने। समय कलयुग मशीनों का समय होगा, इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर के वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों की और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।